किसान यूनियन क्रांति किसानों की समस्याओं को लेकर 14 मार्च को देहरादून में विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको लेकर नगला इमरती में भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि यूपी में किसानों की बिजली माफी का ऐलान कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार किसानों को किसी साथ ही 215 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया चल रहा है। बिजली, पानी, खाद और कृषि यंत्रों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सभी मुद्दों को लेकर 14 मार्च को किसानों को साथ देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं यूपी की तरह बिजली माफी का ऐलान करने के साथ जमीनों के सर्किल रेट पहले की तरह उत्तराखंड के लिए भी मांग की जाएगी। इसके अलावा खाद और कृषि यंत्रों में भी छूट दी जाएगी। मांगे पूरी ना होने पर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। जो हमारी कुछ मांगे हमारी ऐसी है कि सरकार कम से कम इतनी तो आंख सरकार की खुलनी चाहिए, जब उत्तर प्रदेश में बिजली माफी कर दी किसान के लिए, तो ये तो जो मतलब जो अच्छी योजनाएं हैं उन्हें ये लागू नहीं करते, जो यहाँ से पैसा लूटने की वो है उन्हें ये लागू करते हैं, तो ये तो नहीं बिल्कुल भी चलने का। हरिद्वार जिले के साथ जिस तरह से ये सौतेला व्यवहार यहाँ के साथ कर रहे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठना पड़े। अभी करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान तो वैसे ही आज मरने की कगार पे है। उसका जो चूल्हा है वो कर्जे से चल रहा आज की डेट में, कमाई से नहीं चल। हम अपनी बात को इस समय किसान जो है वो मरने के कगार पे क्या मरा ही पड़ा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि वो उनके चूल्हे कर्ज से जल रहे हैं। भाई बिजली फ्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर सके तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। आज उत्तराखंड में किसान की स्थिति दयनीय है, और ये सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और इनका ध्यान दिलाने का काम हमारा है। हम इन पर जबरदस्ती ध्यान दिलवाएंगे, अगर प्यार से नहीं मानेंगे, और फिर हमें जो भी करना है हम किसी भी स्तर पर हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मांगे मनवा कर रहे हैं।